महाराष्ट्रना सारंगखेड़ा घोड़ानो मेळो दर वर्षे योजाय छे। सारंगखेड़ा विख्यात अश्वमेळा में समग्र देश में 1537 घोड़ा आव्या हता। तेमा 68 इंचना अश्व रावणनी किंमत 5 करोड़ आंकवामां आवी हती। महाराष्ट्रना सारंगखेड़ा घोड़ानो मेळो योजाय छे। एमा 68 इंचना अश्व रावणे आकर्षणनु केन्द्र बनवा पाम्यु हतु, जेमा रावण नामना अश्वनी बोली 5 करोड़ बोलाई हती। रावण नामना अश्व दिवस में 5 लीटर दूध, 5 ईंटा अने 1 किलो चणानी दाळ, देसी घी तेमज काजू बदाम अने बाजरानो खोराक आपवामां आवे छे। आ रावण नामना अश्वनी देखभाळ माटे 4 जेटला माणसो राखवामां आव्या छे। आ रावण नामनो अश्वना मालिक असद सैयदे जणाव्यु के आ अश्व अमारी पासे वर्षोथी छे अने रावण अश्व एक मारा परिवारनो सभ्य बनी गयो छे। आ लगावने कारणे आ अश्वनी किंमत घणी ऊंची मळती होवा छतां आ घोड़ो वेचवानी कोई इच्छा नथी। सारंगखेड़ा घोड़ा बजार में 1537 जेटला घोड़ाओ आवे छे अने अत्यार सुधीमां मेळा में 2 करोड़ थी वधारेनो भूतकाळ में टर्नओवर पण थई चूक्यो छे। आम्ही पुण्यातून आलेलो आहोत। आम्ही या बाजारामध्ये पूर्ण फिरलेलो आहोत। या बाजारामध्ये ह्या घोड्याची प्राईस सध्या 5 कोटी आहे। तर ह्या घोड्यामध्ये असं आहे की सर्व घोड्यांपेक्षा आकर्षक घोडा ठरलेला आहे। ह्याच्याबद्दल सांगायचं म्हटलं तर खूप काही आहे आणि जेवढं सांगाल तेवढं कमीच आहे। अतिशय रुबाबदार घोड़ा है। हम लोग तो नासिक से आए हैं दरबार स्टेट फार्म से, और ये घोड़ा मेरे पास आज 1.5 साल से है। मैंने इसे पंजाब से परचेज किया था। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने मुझे ये घोड़ा दिलवाया था पंजाब से, और 1.5 साल से ये घोड़ा मेरे पास ही है। लॉकडाउन शुरू के एंडिंग पर मैंने ये घोड़ा लिया था, और जब से ये घोड़े को मैं ही संभाल रहा हूँ और उसकी देखभाल भी मैं ही करता हूँ। लगभग इसका ब्रश करना है, इसका करारा करना है, जितना पॉसिबल होता है कि मैं अपने हाथ से ही खड़े होकर के इनकी सारी चीज़ें करवाता हूँ। सर, ये जो जानवर है ना, इसकी कोई कीमत नहीं है। दुनिया पता नहीं इसकी क्या कीमत बताएगी, मगर ये जानवर की कोई कीमत नहीं। मैंने तो इसे इसकी खिदमत करने के लिए लिया। मैंने इसे नहीं खरीदा, इसने मुझे खरीदा। मैं इसका नौकर हूँ, और अब नौकर किसी मालिक की कीमत कहाँ से लगा सकता हूँ। तो इसकी कोई कीमत नहीं है। लोगों मुझे ये देना नहीं है। लोगों जो शौकीन लोग थे, 6 करोड़पति लोग दुनिया में काफ़ी पड़े हुए, उन्होंने मुझसे मांगा ये घोड़ा 5 करोड़ रुपए तक। ये घोड़ा मेरे से बाजार में मांगा गया, ये घोड़ा मुझे सेल नहीं करना है, और मैंने कहा कि ये घोड़ा मुझे बेचना नहीं है। सर, इसका इसमें जो ख़ास चीज़ है वो इसकी हाइट है। 67+ इसकी हाइट है इस घोड़े की, और इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में इस हाइट का कोई भी घोड़ा नहीं है। इस पूरी मंडी में भी इस हाइट का कोई घोड़ा नहीं है जो इसके सामने इसकी लेवल पर हाइट कर सके। और ये बड़े से बड़े घोड़े जब इसके सामने आते हैं तो वो छोटे लगते हैं, तो वो इसके बड़े होने की वजह से इसकी डिमांडिंग जो है लोगों के अंदर ज़्यादा हो गई है। ऐसे घोड़े और भी है मंडी में, मगर उनकी हाइट नहीं होने की वजह से वो इतने चर्चा में नहीं है। इसकी हाइट ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा चर्चा में। अच्छा, ये ब्लड लाइन का घोड़ा है, मगर मैं ब्लड लाइन इसकी मैंने अभी तक DNA टेस्ट करवाया नहीं है, इसलिए इसका ब्लड लाइन मैं आपको शो नहीं करूँगा। इसका DNA कंप्लीट होने के बाद मैं आपको अगली वीडियो के अंदर, सर कभी हुआ तो मैं आपको इसकी पूरी रिपोर्ट। इसको खाना क्या? इस घोड़े के लिए सिर्फ 2 लोग रखे हुए हैं मैंने। एक बंदा सिर्फ इसकी मालिश करता है, जो इसकी तेल से मालिश करता है, उसके बाद उस पर ब्रश करता है, और एक बंदा जो है इसका पीट का ख्याल रखता है। इसका खाना वगैरह जो कुछ है वो एक बंदा सारी चीज़ें इसके अंदर देखता है कि जो टाइमिंग पीरियड है इसमें खास करके, वो टाइमिंग पीरियड का ख्याल रखा जाता है। सवेरे 8 बजे खाना डाला जाता है, तो शाम में 8 बजे ही डाला जाता है। 12 घंटे के डिस्टेंस पर इसे खाना डाला जाता है।